गुड मॉर्निंग क्लास, SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को लैप वाइंडिंग के कुछ नियम एवं शर्त को बताएंगे। इससे पहले हम आपको DC आर्मेचर वाइंडिंग के विभिन्न प्रकार के लैप वाइंडिंग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लैप वाइंडिंग के नियम एवं शर्त को देखेंगे। चलिए देखते हैं, जो कि ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में अक्सर इससे कहीं ना कहीं एक सवाल या एक टाइप का क्वेश्चन मिलते रहेगा। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि पिछले क्लास में YF हम बता चुके हैं। YF को कहते हैं फ्रंट पिच क्या होता है, इसकी भी पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये पहला हमारा कंडीशन है कि फ्रंट पिच YF बराबर होगा, इज इक्वल टू होगा YB के, यानी YB का अर्थ होता है बैक पिच, बराबर होगा YP का अर्थ होता है पोल पिच। लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच बराबर होगा बैक पिच बराबर पोल पिच के होता है, ये कंडीशन है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा कि इसमें फ्रंट पिच और बैक पिच और पोल पिच तीनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरे की ओर चलते हैं, दूसरा कंडीशन है कि इसमें फ्रंट पिच और बैक पिच जो होता है वो दोनों क्या होगा, ओड होगा। कहने का मतलब ये विषम संख्या होगा, यानी तीन पाँच सात नौ, इस तरह वो विषम होगा। आगे चलते हैं, YA का अर्थ होता है एवरेज पिच। तो लैप वाइंडिंग में एवरेज पिच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट पिच प्लस बैक पिच बटे क्या कर देंगे, टू कर देंगे और इस एवरेज पिच निकल जाएगा। अब इसका हमको रिजल्टेंट पिच निकालना है। तो रिजल्टेंट पिच निकालने का तरीका क्या है इसका, YR का अर्थ होता है रिजल्टेंट पिच, और रिजल्टेंट पिच लैप वाइंडिंग का कैसे निकालते हैं, YB माइनस YF, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच निकाल दीजिए, इसका माइनस कर दीजिए, इसका रिजल्टेंट पिच निकल जाएगा। ये सब पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है कि समानांतर पथों की संख्या क्या होती है लैप वाइंडिंग में, पोलों की संख्या के बराबर होती है। समानांतर पथों की संख्या बराबर क्या होती है, पोलों की संख्या के बराबर है। समांतर पथों को हम ए से डिनोट करते हैं, पोलों की संख्या को पी से डिनोट करते हैं, ये इसमें क्या होता है, बराबर होता है। फिर देखते हैं कि इसमें जो कार्बन ब्रश की संख्या है, आप जितना इसमें कार्बन ब्रश लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन ब्रश, उतना ही इसमें क्या होगा, पोल होगा। आगे हम देखते हैं कि YB का अर्थ होता है बैक पिच। अगर बैक पिच फ्रंट पिच से बड़ा हो, तो इस प्रकार के बाइंडिंग को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। यानी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग मतलब इसमें बाइंडिंग क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या होगा, बढ़ता हुआ नज़र दिखेगा, इसीलिए इस बाइंडिंग का नाम है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या मिलेगा, प्रोग्रेस होता हुआ, यानी बढ़ता हुआ, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब बाइंडिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसके लिए कंडीशन है कि बैक पिच हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा फ्रंट पिच से। फिर अगर बैक पिच अब छोटा है फ्रंट पिच से, तो इस कंडीशन को में क्या होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। यानी
इसमें क्या हुआ, वाइंडिंग क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में इसमें बढ़ता हुआ नजर आता, जबकि प्रोग्रेसिव में क्या था, घड़ी के दिशा में। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे कि ये कम्यूटेटर पिच क्या होता है। कम्यूटेटर पिच को वाई सी से डिनोट करते हैं, वाई और सी। अगर सिंप्लेक्स होगा तो सिंप्लेक्स के लिए कम्यूटेटर पिच का मान होता है 1 प्लस माइनस 1। अगर डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स मतलब 2, तो कम्यूटेटर पिच का मान होगा प्लस माइनस 2। उसी पर ट्रिप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स में क्या होगा, प्लस माइनस 3। और उसी तरह क्वाडुप्लेक्स, क्वाडुप्लेक्स का तो होता है 4, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई सी का वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा। कोई प्रॉब्लम? ये लैप वाइंडिंग के नियम एवं शर्त में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसमें कहीं ना कहीं आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे आता रहता है। तो किसी को कोई दिक्कत है तो हम एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि अगर लैप वाइंडिंग में क्या होता है, फ्रंट पिच, बैक पिच और पोल पिच तीनों बराबर होते हैं, फिर फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों का मान क्या होगा, विषम होगा। अगर एवरेज निकालना हो तो फ्रंट पिच और बैक पिच बाय 2 कर देंगे। अगर रिजल्टेंट पिच निकालना होगा तो बैक पिच माइनस फ्रंट पिच करके निकाल देंगे। इसमें क्या होता है, समानांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, फिर इसमें कार्बन ब्रश की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। अगर बैक पिच फ्रंट पिच से बड़ा हो तो हम इसको कहेंगे प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, अगर बैक पिच फ्रंट पिच से छोटा हो तो इसको कहेंगे रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग, अगर कम्यूटेटर पिच वाई सी का वैल्यू 1 हो तो सिंप्लेक्स होगा, अगर वाई सी का वैल्यू 2 होता है तो ये डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का अर्थ होता है 2, अगर वाई सी का वैल्यू 3 होता है ट्रिप्लेक्स, और वाई सी का वैल्यू 4 होता है तो इसको क्वाडुप्लेक्स कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि वेव वाइंडिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग के प्रकार, वेव वाइंडिंग के 2 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार हमने लैप वाइंडिंग का क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे वेव वाइंडिंग का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि हम वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पे भी वेव वाइंडिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंप्लेक्स, दूसरा मल्टीप्लेक्स, जैसा कि हमने लैप में भी देखा था यही चीज। अब ये मल्टीप्लेक्स क्या होता है, 3 भागों में पड़ जाता है, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाडुप्लेक्स। अब हम उससे पहले ये जान लें कि वेव वाइंडिंग क्या होता है। वेव वाइंडिंग किसी भी आर्मेचर वाइंडिंग में क्वाइल क्या हो, क्वाइल का संयोजक सिरा, किसी भी आर्मेचर वाइंडिंग में क्वाइल का संयोजक सिरा निरंतर क्या हो, गतिशील हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वाइल है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, इस क्वाइल का ये सिरा देख लीजिए, ये क्वाइल का क्वाइल का ये सिरा जो देख रहे हैं ये निरंतर क्या है, गतिशील है, देख लीजिए इस प्रकार ये गतिशील हो रहा है, ये गतिशील दिख रहा है। फिर अगर दूसरे क्वाइल की बात करें का सिरा, ये निरंतर क्या हो रहा है मेरा, गतिशील हो रहा है, देख लीजिए। तो इस प्रकार के बाइंडिंग को ही हम लोग वेव बाइंडिंग कहते हैं, वेव यानी कि एक तरंग के समान, वेव के समान। फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि वेव वाइंडिंग में क्या देख रहे हैं, कि वेव वाइंडिंग में हम देख रहे हैं किसी भी क्वाइल का जो एक सिरा है वो निरंतर, देखिए गतिशील है, निरंतर यानी कि वो आगे बढ़ रहा है,
जब इसको देख रहे थे तो ये भी आगे बढ़ रहा था, जब इसको देख रहे थे ये भी आगे बढ़ रहा है, तो कैसा हम इसको देखने में पता चल रहा है, यानी ये हमको कैसा दिख रहा है, ये सृज के समान देखिए, तो सृज के समान हमको दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेव बाइंडिंग को हम लोग सृज बाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि सृज में कनेक्ट किया हुआ दिख रहा है, सृज कनेक्शन के समान हमको दिख रहा है, इसलिए हम इसको सृज बाइंडिंग कहते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि वेव बाइंडिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं। वेव बाइंडिंग हम लोग हाई वोल्टेज तथा लो करंट में यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है, समानांतर पथों की संख्या क्या होती है, दो होती है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इसके टाइप को सिंप्लेक्स वेव और मल्टीप्लेक्स वेव को अगले दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।